वॉलेट के हॉल में हम बहुत सारे वॉलेट्स तो देखेंगे ही, लेकिन एक ऐसे वॉलेट को देखेंगे जो कि लिटरली एक स्मार्ट वॉलेट है और उसपे जीपीएस ट्रैकर है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप किसी वॉलेट में इमेजिन भी नहीं कर सकते। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बराबर चलते हैं हम अपने पहले वॉलेट की तरफ। ऑलराइट, हमारा पहला प्रोडक्ट हमारे पास में आ गया है, अमेज़न के ये सारे वॉलेट्स हैं और जो हमारा पहला ब्रांड है वो है फास्ट रैक। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट इसके पैकेजिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा कलरफुल एक हमें कार्डबोर्ड का बॉक्स मिलता है एंड फ्रंट में फास्ट रैक की ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे देखोगे तो यहाँ पर प्राइस मेंशन किया गया है और फास्ट रैक की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको बता दूं कि फास्ट रैक टाइटन की कंपनी है और टाइटन टाटा की कंपनी है। इतने में आपको पड़ेगा वो हम एंड में बताएंगे। फटाफट निकालते हैं हम अपने इस खूबसूरत चमचमाते बॉक्स को। और इस वॉलेट को जब आप निकालोगे ना तो ये एक इस तरह के रबर से ना अटैच्ड है और ये जो रबर है वो डब्बे से अटैच्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टच एंड फील की बात करें ना बहुत ज्यादा स्मूथ लेदर है। हालांकि बस यहाँ पर जेन्युइन लेदर लिखा गया है, क्या लेदर है कैसा लेदर है यहाँ पर उतना नहीं मेंशन किया गया है। अगर वॉलेट के साइज की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फील हो रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे खुल के बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इस टाइप में। ये जो होता है ना स्क्वायरिश टाइप का और बहुत छोटा सा खुलता है, ये उस टाइप का वॉलेट है। अगर वॉलेट के डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर वॉलेट के लेदर पे बहुत खूबसूरत डार्क कलर में आपको टेक्सचर्स देखने को मिल जाएंगे और पंच के थ्रू यहाँ पर फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग की गई है। एंड जस्ट लुक एट दिस, कितना छोटू खूबसूरत सा वॉलेट है। तो यहाँ पर फ्रंट में देखोगे तो आपको एक छोटू सा चिल्लर पॉकेट मिलता है जिसमें आपको ये जो टिप टॉप वाला जो बटन होता है ना टुक टक से लगता है वो वाला आपको इसमें बटन मिल जाता है जो कि ऐसा करके आवाज करता है। नीचे यहाँ पर आपको एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है, यहाँ पर देख लो जेन्युइन लेदर पंच के थ्रू यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद कार्ड्स के स्लॉट्स की बात करें तो एक दो और तीन, यानी यहाँ पर समझ लो कि तीन आपको कार्ड स्लॉट्स मिलते हैं। लेकिन ये बस इतना नहीं है क्योंकि ये एक और तह खुलता है और उसके बाद अंदर आपको एक दो तीन चार और जगह मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक नेट टाइप का भी कंपार्टमेंट दिया गया है। अंदर में आपको दो बड़े बड़े आपके कैश वाले सेक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या क्या है यहाँ पर, एक तो लेदर का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जेन्युइन लेदर केयर। साथ ही साथ यहाँ पर सर्टिफिकेट और वारंटी भी आपको मिल जाता है। अंदर देखे तो अंदर हमें दो कंपार्टमेंट्स मिल, अच्छा अंदर देखोगे ना अंदर यहाँ पर एक पैच है जिसके अंदर फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग है और पीछे लिखा गया है इसका सीरियल नंबर। बीच में जो सेक्शन दिए गए हैं यानी यहाँ पर जो दो पॉकेट आपको दिख रहे हैं उसके ऊपर भी लेदर की ऐसे करके ऊपर बॉर्डर दी गई है जो कि प्रीमियम लग रही है। अब यहाँ पर एक चीज देख लो, आपको ऐसा छोटा देख के लगेगा ना कि इसमें आपका 500 या 2000 का नोट नहीं जाएगा। 500 के डालने के बाद भी बहुत ज्यादा स्पेस बच रहा था तो 2000 तो इजीली चल जाएगा, 2000 का नोट हमारे पास था नहीं। क्रीचेस की बात करें तो खुलते साथ ही देखोगे ना तो बहुत सारे क्रीचेस यहाँ पर पड़ रहे हैं, तो मे बी ये ना इसमें बहुत सारे क्रीचेस आ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लेदर है तो क्रीचेस इस पे अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो आउटर साइड में आपको एक इलास्टिक जाता है, ये लास्टिक डुअल टोन में किया गया है जिसपे आपको ब्लू एंड यही सेम ब्राउन कलर मिल जाता है। इस लास्टिक को आप क्या कर सकते हो, अपने बटुए को क्लोज करने के लिए यहाँ पर ऐसे करके रैप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका बटुआ प्रॉपर क्लोज हो जाएगा और ये खुलने लायक रहेगा नहीं। लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल मुझे फीचर लगा नहीं, एज अ डिजाइन ही इसे कंसिडर करिए, इसको आप बार बार कितने ही करोगे। इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1012 रुपए, इस वक्त जब मैं शूट कर रहा हूँ इसकी करेंट प्राइस उतनी है। प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग बटुए की तरफ। ऑलराइट, हमारे पास हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया है एंड ट्रस्ट मी यू नेवर इमेजिन कि आपका वॉलेट इतना स्मार्ट भी हो सकता है क्या। ब्रांड का नाम है अरिस्टा वॉलेट और बेसिकली ये जो कंपनी है वो वॉलेट्स बनाती है। इन्होंने हमें ये रिव्यू यूनिट भेजा था अपने तरफ से। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अरिस्टा वॉलेट, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। इसमें बहुत प्रीमियम टच दिया गया, लाइक इतना बड़ा बॉक्स है जस्ट टू कीप द वॉलेट। अरिस्टा लिखा हुआ है, लग्जरी विद इंटेलिजेंस। फटाफट हम इसे खोलते हैं। इसे खोलो, अंदर भी देखोगे ना, वॉलेट को रखते हैं खैर साइड में, अंदर भी पूरा वेल्वेट टच आपको दिया गया है। पैकेजिंग के मामले में 10/10 मार्क्स दिया जा सकता है इस कंपनी को। इस तरह के अरिस्टा के ब्रांडिंग के पेपर के साथ में आता है। और वॉलेट को देखोगे तो आपको बता दूं कि ये पूरा जो वॉलेट है इटालियन लेदर मेड है। बहुत ज्यादा स्मूथ एंड प्रीमियम लेदर आपको छूने से ही फील होगा, देखने से ही फील होगा, लगेगा आपको देखने से कि हाँ कुछ प्रीमियमनेस है इसमें। यहाँ पर फ्रंट में देखोगे तो
क्रिस्टा के यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, बहुत मिनिमल सिंपल एंड खूबसूरत डिजाइन है आउटसाइड से। ऐसे एक नजर डालो इसकी स्टिचिंग्स पे कि बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन स्टिचिंग्स की गई है, लाइक एक भी धागा आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ डार्क ब्राउन के साथ जो लाइट ब्राउन की स्टिचिंग्स है बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। बात कर ले अगर इसके कंपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चिल्लर पॉकेट मिल जाता है, लेकिन इसमें कोई टिप टॉप बटन नहीं है बल्कि ये एक मैग्नेटिक फ्लैप है। साइड में यहाँ पर आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है, इस साइड में आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है, और फ्रंट में आपको दो कार्ड कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। अब आप यही सोचोगे कि भाई बस दो कार्ड, दू में क्या होगा, हमारे पास हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एक दो एटीएम कार्ड है, बहुत सारे कार्ड है। सबसे पीछे वाले कंपार्टमेंट में आपको तीन और कार्ड होल्डर्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा यूनिक प्लेसमेंट है। ऐसा प्लेसमेंट कार्ड होल्डर का मैंने आज तक किसी भी वॉलेट में नहीं देखा है। तीसरे में क्या है, तीसरे में है एक वारंटी कार्ड अरिस्टा वॉलेट की तरफ से, और यहाँ पर लिखा गया वैलिड फॉर अ ईयर। और बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें स्मार्ट क्या है, भैया आप तो खाली वॉलेट के बारे में तब से बताए जा रहे हो। तो स्मार्ट ये है, यहाँ पर आप एक सिंबल देख पाओगे जहां पर एक स्विच ऑन ऑफ का बटन, इस वॉलेट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। मैं आपको सुनाता हूं, इस वॉलेट के अंदर एक ऐसा मॉड्यूल अटैच किया गया है जिसके अंदर जीपीएस ट्रैकर है, स्पीकर है, बैटरीज है, और ऐसी बहुत सारी पावरफुल चीजें हैं जो आपके वॉलेट को सेफ रखेंगी। अरिस्टा वॉलेट का अपना एक ऐप है जिसके थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, साइन अप आप कर लेते हो, ये वॉलेट जैसे ही आपसे 20 मीटर दूर जाएगा, आपका फोन भी टैना नैना करने लगेगा और ये वॉलेट भी टैना नैना करने लगेगा। ऑलराइट गाइस, अभी हम आपको टेस्ट करके दिखाने वाले हैं कि ये वॉलेट कैसे डिस्कनेक्ट होता है और कनेक्ट होकर आपका चलता है। अभी कनेक्टेड दिखा रहा है ऐप में, ये भाई दूर लेके इसे जाएगा और देखेंगे कि कितने देर में ये बीप 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 और डिस्कनेक्ट होके अलार्म देना शुरू करता है। ये भाई दूर जा रहा है, मैं भी दूर जा रहा हूँ, जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा बस बजाना शुरू, डिस्कनेक्ट है। ये पता चल गया कि डिस्कनेक्ट हो चुका है, और उधर भाई का भी अभी टूनू नूनू नूनू चालू होगा। अब जैसे ही सामने जाएंगे कनेक्ट होगा। ये कनेक्टिंग दिखा रहा, कनेक्टेड हो गया, साउंड दोनों तरफ से बंद हो गया। अब ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि मैं भी बहुत ज्यादा दूर निकल गया हूं चोर, तो इसमें क्या है भाई, जीपीएस है इसमें इनबिल्ट, और इतना एक्यूरेट जीपीएस है कि लिटरली जिस वक्त जहां पर एग्जैक्ट ये वॉलेट पड़ा होगा ना, उस जगह एग्जैक्ट आपका लोकेशन आपके फोन में दिखाएगा कि इस वक्त आपका वॉलेट यहां पर पड़ा हुआ है। हम तो भाई कागज से वॉलेट बनाया करते थे, ऐसे मोड़ मोड़ के और स्कूल ले जाया करते थे अपना 1-2 रुपए रख के। अमेजिंग फीचर बता दूं कि आप इस वॉलेट से सेल्फी भी खींच सकते हो, यानी इनका जो ऐप है उससे अगर आप कैमरा ऑन करोगे और यहाँ पर अपना रखे रखे यहाँ से दूर से भी बटन दबोगे ना, वहां से फोटो क्लिक हो जाता है। ऑल्सो ये वॉलेट RFID प्रोटेक्टेड है, जो जितने भी सियाणे लोग हैं ना जो चोरी करने की कोशिश करते हैं, वो आपके बटुए से कुछ नहीं चुरा पाएंगे। अब आप ये सोचोगे कि पक्का ये चाइना का होगा, लेकिन आपको बता दूं कि दिस प्रोडक्ट इज टोटली मेड इन इंडिया। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं कि इस प्रीमियम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको थोड़ा प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ेगा। तो इस वॉलेट के लिए आपको 4,000 रुपए के आसपास पे करना पड़ेगा। अब देखो पैसा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये चीज ऐसी है कि यूजुअली आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो इतना बेहतरीन काम कर रही है। अब एक चीज यहाँ पर ये भी है कि अगर मैं भी आपको ये प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये फीचर उतना मेरे को प्रॉफिटेबल नहीं लगा। तो आपको ये बता दूं कि इसके चिप के बिना भी ये प्रोडक्ट बिकती है, जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट प्राइस में है, 1,000-1,200 के आसपास की इसकी प्राइस है। दोनों प्रोडक्ट के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ इनका अपना ऐप भी है, अपनी वेबसाइट भी है, सारी चीजों के लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो एक छोटी सी जेस्चर इन्होंने भेजी थी मुझे, एक टी शर्ट भेजी थी अरिस्टा वॉलेट की, एक खूबसूरत से अपने ब्रांड की टी शर्ट भेजी थी उन्होंने, और एक कैप भेजी थी जो कि थोड़ा सा शिपिंग में थुकचा गई। इनके ऐप से, इनकी वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, मेक श्योर कि मेरा कोड यूज करे अंकुश15, आपको 15% ऑफ मिलेगा, साथ ही साथ मुझे इसमें कुछ मिलेगा एफिलिएट का अर्निंग। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फटाफट चलते हैं अमेज़न पे मिल रहे मोस्ट बजट फ्रेंडली वॉलेट की तरफ। ऑलराइट, हमारा लास्ट अमेजिंग वाला जो वॉलेट है वो आ गया। इसके ब्रांड की बात कर ले, वाइल्ड हॉर्न इसके ब्रांड का नाम है। पैकेजिंग की बात करें तो कार्डबोर्ड पैकेज है, अच्छा लग रहा है ये पैकेज। अब देखो अरिस्टा वॉलेट वाला जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा पैकेज। प्राइसिंग देख ले तो यहाँ पर लिखा गया 1499, लेकिन आपको बता दूं कि वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, फटाफट निकालते हैं और अंदर हमें क्या मिलता है भाई। ये कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे लिखा गया जेन्युइन लेदर इन्होंने यूज किया है। निकालते हैं वॉलेट को। ये वॉलेट जो है अमेज़न पे मोस्ट सेलिंग वॉलेट है, अगर हम बजट कैटेगरी की बात करें। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस वॉलेट। अब इस वॉलेट की प्राइसिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये आपको 500 रुपए के आसपास में मिलेगा, मोस्ट बजट फ्रेंडली, मोस्ट परचेस्ड वॉलेट है अगर हम अमेज़न की बात करें तो। इस वक्त बजट में 500 के आसपास
में। सबसे पहले डिजाइन पे आ जाते हैं। पूरा वॉलेट देखोगे तो आपको ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा। पूरे वॉलेट में आपको एलिगेटर स्किन प्रिंट मिलता है, ठीक है, वो टेक्सचर है एलिगेटर स्किन, इसमें यूज नहीं हुआ भाई, 500 का वॉलेट है। आ जाते हैं कंपार्टमेंट पे, तो बिना इस वॉलेट को खोले ही आपको दो कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, यानी इस साइड भी एक कंपार्टमेंट है और दूसरी साइड भी एक कंपार्टमेंट है। यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है RFID प्रोटेक्शन, लेकिन उसमें नहीं लिखा हुआ था भाई फास्ट ट्रैक वाले में। अंदर देखोगे तो जेन्युइन लेदर का भी आपको यहाँ पर मार्क मिल जाता है, इसमें टिप टॉप बटन है। फ्रंट में देखोगे तो कार्ड होल्डर्स आपको 3 देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ID कार्ड वार्ड रखने के लिए आपको एक स्पेस दिया गया है और फिर अंदर और 3 मिल जाएंगे, तो टोटल 6 हो गया। इधर भी साइड में आपका कंपार्टमेंट है, इधर भी साइड में आपका कंपार्टमेंट है, बीच में चेन भी है, चेन के अंदर भी दोनों तरफ कंपार्टमेंट है, तो कंपार्टमेंट्स में भर भर के हैं। दो मेन कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे। साइड में वाइल्ड हॉर्न की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, उतना विजिबल नहीं है, बहुत मुश्किल से दिखता है। ओवरऑल सेम इसमें फास्ट ट्रैक की तरह भी यहाँ पर एक लेयरिंग दी गई है ऊपर में आउटर लेयर पे, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। अंदर के कपड़े में भी वाइल्ड हॉर्न पूरा भरा पड़ा हुआ है। अगर आप इस वक्त खरीदने की सोच रहे हो मेरे पास भाई 2500 रुपया, मेरे को अच्छे से अच्छे चीज चाहिए, आंख बंद करके इसके लिए जा सकते हो। और इस वक्त जब मैं शूट कर रहा हूँ तो ये 432 रुपए में मिल रहा है। अगर आपको इनोवेशन की तरफ एक स्टेप लेना है, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक हो, कुछ ऐसा हो जो किसी के पास ना हो और साथ ही साथ स्लिम एंड सेक्सी भी दिखे, तो आप अरिस्टा वॉलेट के लिए जा सकते हो। इसमें दोनों ऑप्शन है, या तो आप ट्रैकर वाला ले लो या तो आप बिना ट्रैकर वाला ले लो। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि क्या आप खरीद रहे हो। अगर ये वीडियो चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेस बूम।